पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो MNA सामने आ गए हैं जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे, अपने वोट बेचे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, इमरान खान के नाम पे इन्होंने वोट लिया, आवाम ने इमरान खान की वजह से इन्हें वोट दिया। आज ये असेंबली में पहुंच के आज इमरान खान के साथ इन्होंने दगा किया, इन्होंने धोखा किया। जो 10 MNA बिके हैं, मैं उनका पैगाम देता हूँ, यकीन माने आपको इमरान खान की वजह से वोट पड़ा था। आप लोगों की इतनी हैसियत नहीं है आप लोगों को कोई वोट डाले? आप लोगों को कोई इस्लाम नहीं करता आप लोगों को वोट डालेगा, लेकिन इमरान खान की वजह से वोट आपको पड़ा। आज आपने धोखा किया, इमरान खान के साथ दगा किया। इमरान खान नहीं बल्कि इस कौम के साथ आपने धोखा किया है। और जो 10 MNAs बिके हैं, मैं उनको पैगाम देता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान की आवाम कभी नहीं छोड़ेगी। आपने जो पैसा लिया, आपने जो इस आवाम की इज्जत बेची, इस मुल्क की इज्जत बेची, आवाम आपको नहीं छोड़ेगी। आपको इंशाल्लाह आपको आपके हल्कों में घुस के आपको मारेगी। और राजा रियाज साहब को मैं पैगाम देता हूँ, फैसलाबाद की आवाम बड़ी गैरतमंद आवाम है, और वो गैरतमंद आवाम है, उसने आपको वोट दिया, इमरान खान की वजह से वोट दे के आपको असेंबली में पहुँचाया। आज आपने फैसलाबाद की इज्जत को नीलाम किया, आज आपने फैसलाबाद की आवाम की इज्जत को नीलाम किया, आज आपने इस मुल्क की इज्जत को नीलाम किया। और आप क्या कहते हैं, इस तरह आप इज्जत नीलाम करके आप वापस जाएंगे, आपको फिर वोट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, बल्कि जूते मिलेंगे। आप हल्के में जाए तो सही, आपको पता चले आवाम आपके बारे में क्या सोच रही है। आज हम आवाम हैं, हमें पता है, हम यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है, आवाम आज आपको गालियाँ दे रही है। और इलेक्शन कमीशन से मैं कहता हूँ, इलेक्शन कमीशन, एक खान साहब जलसा करते हैं तो इलेक्शन कमीशन नोटिस देता है कि इलेक्शन क्यों किया है। आज बोरियाँ चल रही हैं, लोगों को ख़रीदा जा रहा है, इस मुल्क की इज्जत को ख़रीदा जा रहा है, इस आवाम की नस्लों के आने वाली नस्लों की इज्जत को ख़रीदा जा रहा है। और आज इलेक्शन कमीशन कहाँ है? इलेक्शन कमीशन आज क्यों नोटिस नहीं भेज रहा? आज बोरियत चल रही है पैसों की, लोगों को खरीदा जा रहा है, इलेक्शन आज किधर है? आज मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूँ किधर है? जाए नोटिस दें जिन्होंने इस मुल्क को एक वो बनाया हुआ है, आज उनसे नोटिस दें ताकि पता चले कि इलेक्शन कमीशन एक अच्छा अदारा है और अच्छा फैसला करने वाला है। अच्छा, ये बताएं, जो MNA सामने आ चुके हैं, 10 MNAs, उनका ये दावा है कि उनके पास 2 दर्जन से ज़्यादा MNAs हैं, क्या होगा तरीके अदम एतमाद? ये देखें, इनके पास 2 दर्जन नहीं, इनके पास हज़ारों बंदे हों फिर भी ये नाकाम है। मैं कह रहा हूँ आज की डेट पर लिख लें, ये नाकाम है, नाकाम है। ये जो मर्जी हज़ारों बंदे भी आ जाएं, इमरान खान को नाकाम नहीं कर सकते। इमरान खान के साथ अल्लाह की मदद है। इमरान खान ने, जावेद हाशमी ने इमरान खान से दावा किया था, आज उसकी 2% की इज्जत नहीं है। आयशा गुलालई ने इमरान खान के साथ दावा किया था, आज उसे कोई मुंह के बाहर उसे इस्लाम भी नहीं करता। और जिस तरह रियाम खान ने किया था, आज देखें कितना नाम था, इमरान खान के साथ नाम जुड़ा तो उसे कितनी इज्जत मिली। जिस दिन उसने इमरान खान को धोखा दिया, जिस दिन उसने इमरान खान को छोड़ा, यकीन माने आज आवाम उन सब पे लानते भेज रही है। और ये जो मर्जी कर लें, जो इमरान खान के साथ धोखा करेगा, इमरान खान एक सच्चा लीडर है, मुखलिस है, मुहिबे वतन है, उसके साथ अल्लाह की मदद है। जो बंदा इमरान खान के साथ दावा करेगा, धोखा करेगा, यकीन माने अल्लाह उसे जलील करेगा, दुनिया में भी और आखरत में भी जलील करेगा। जावेद हाशमी एक लाइव प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, MNAs को खरीदा जा रहा है, क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में क्या करना चाहिए? ये तो बड़े फ़ख्र से इतना कोई ये इस तरह बता रहे हैं जिस तरह के बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं, बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं, इस मुल्क की इज्जत बेच रहे हैं, इसमें मुल्क की इज्जत बेच रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जब खान साहब जलसा करने जाते थे के बीके में, इलेक्शन कमीशन फौरन नोटिस भेजता था कि खान साहब आपने इलेक्शन की कंपेन में हिस्सा नहीं लेना, आपने जलसे में शिरकत नहीं करनी। आज इलेक्शन कमीशन किधर है? आज इलेक्शन कमीशन, मैं सवाल करता हूँ आवाम, मैं नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी आवाम सवाल करिए, आज इलेक्शन कमीशन किधर है? जहाँ बोरियों से पैसा चल रहा है, जहाँ पे लोगों को उसकी ज़मीर को ख़रीदा जा रहा है, जहाँ पे ये हॉर्स ट्रेडिंग सरेआम हो रही है, कहाँ है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, सिर्फ नोटिस नहीं बल्कि एक्शन भी लेना चाहिए ताकि पता चले कि ये कोई अदारा है, कोई अदारा है। ये नहीं कि यार सारी हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है तो देख रहे हैं, तुम आशाई बन के नहीं, अपना रोल अदा करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, अब क्या होगा? अब अपोजिशन के पास वाज़ह अक्सरियत नज़र आ रही है, क्या होने जा रहा है? मैंने आपको पहले बताया, ये जो मर्जी कर लें, ये कह रहे हैं ना 2 दर्जन 24 अरकान का कह रहे हैं, ये मैं कहता हूँ 36, क्या 1000 गुना ज़्यादा लें,
कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी इनके मुकद्दर में नाकामी, इनके मुकद्दर में इंशाल्लाह इमरान खान फिर कामयाब होगा और इनका तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। इन मुनाफिकों, पहले एक बात मुझे याद, इन मुनाफिकों की इस बात से अंदाज़ा लगाएं, जब महंगाई हो रही थी, पेट्रोल महंगा हो रहा था, कह रहे थे कि इमरान खान पेट्रोल महंगा कर रहा है, इमरान खान ने महंगाई कर दी। इन मुनाफिकों का उस दिन चेहरा चेहरा जो नकाम बेनकाब हुआ जब इमरान खान ने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, फिर शायद कान नवासी आया कि आलमी सतह पर तो पेट्रोल महंगा हो रहा है कि इमरान खान कैसे सस्ता कर रहा है। इन मुनाफिकों के इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इन्हें मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। आज ये जो निकले हैं ये मुल्क के लिए नहीं निकले, अवाम के लिए नहीं निकले, ये सिर्फ अपने मफादात के लिए निकले हैं, ये अपने अपने इकतदार के लिए निकले हैं। और यकीन माने इन्हें इन्हें जलीलो रसवा होंगे और अवाम इनको जूते मारेगी। और इन्होंने अवाम का जज्बा, इमरान खान के साथ मोहब्बत का जज्बा और बढ़ा दिया। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं इनका। अच्छा ये बताएं, वो MNS जो PTA के टिकट पर मुंतब हुए थे, आज हाउस में बैठे हुए हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? इमरान खान के नाम पे इन्होंने वोट लिया, इमरान खान के नाम पे इन्होंने वोट, इनको तो कोई जानता भी नहीं होगा शायद, शायद इनका इनको आवाम इनको यकीन माने जूते मारे। इमरान खान के नाम पे इन्हें वोट पड़ा था, पाकिस्तानी आवाम ने इमरान खान के नाम पे इन्हें वोट दिया था, आज इन्हें अवाम इमरान खान के नाम पे मुंतहिब करके असम्बली में पहुँचाया। आज इमरान खान को इन्होंने जो है ना धोखा दिया, डसा है इन्होंने। जो अपने लीडर को डस सकते हैं, जो अपने मुल्क को डस सकते हैं, जो अपने मुल्क की कौम को डस सकते हैं, उनसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं हमें, किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। ये तो अपने, मैंने बताया, ये अपने इख्तदार के लिए आए हैं, इन्होंने इन्हें अवाम से कोई मसला नहीं है। इन्हें इनसे पूछा जाए कि आप कौन से अवामी मसाइल से लेकर आप सामने आ रहे हैं, अदम एतमाद ला रहे, क्या किस वजह से लेकर आ रहे हैं, लेकिन इनके पास इन सवालों का जवाब नहीं होगा। ये आए हैं तो अपने मफादात के लिए, ये आए हैं तो अपने इख्तदार के लिए, लेकिन इनका इनका जो ख्वाब है चकना चूर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये टूट के इसी तरह दोबारा जलील और रसवा होकर जाएंगे जिस तरह इन्होंने पहले किया था। पहले इमरान खान की 172 सीट थी, 179 वोट्स लिए थे, और आज मैं लिख के आपको कहता हूँ ना, आप रिकॉर्ड कर लें कि इंशाल्लाह 180 से अबव वोट लेकर इमरान खान फिर कामयाब होगा।